आप इस चीज को देखेंगे कि बिल का जो हमारा था, बिल को लेकर के एक दूसरा हमारा नजरिया था, हमने जिस चीज को राइट फ्रॉम बिगनिंग हमने अगर नहीं स्वीकार किया तो आज भी हमने नहीं स्वीकार किया है। आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशाप बने तत्काल 3 तलाक पर प्रतिबंध संबंधित विधेयक को राज्यसभा ने मंगलवार को पारित कर सामाजिक बदलाव की दिशा में इतिहास रच दिया। विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद राज्यसभा में तत्काल 3 तलाक विधेयक 84 के मुकाबले 99 वोटों से पारित हो गया। हालांकि जदयू ने अपना विरोध जारी रखा। जदयू के विरोध के बाद भी तत्काल 3 तलाक बिल पास हो गया। हालांकि जदयू का अपना स्टैंड हमेशा रहा कि वो विरोध करेगी। जब इस मुद्दे पर हमारे सब एडिटर ने जदयू के प्रवक्ता अंजुम मारा से बात किया तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 3 तलाक बिल कल पेश किया गया राज्यसभा में और जिसे पारित भी कर दिया गया। 99 लोगों ने मुहर लगाई और इस बिल को अब लागू कर दिया गया। जेडीयू अलग दिख रही थी, वॉकआउट कर गई। ऐसे में अब जब बिल पारित हुआ है तो जेडीयू क्या सोचती है इस बिल के बारे में? देखिए, बिल तो पारित हो गया है और हमारा जो इस बिल को लेकर के था वो राइट फ्रॉम बिगनिंग हमारा जो स्टैंड था वो लोकसभा में भी वही हमारा स्टैंड रहा और राज्यसभा में हमारा वही स्टैंड रहा। अब बिल पारित हो चुका है। मैम, जेडीयू के 6 राज्यसभा सांसद थे, AIDIMK के 13 थे, 19 लोगों ने वॉकआउट कर दिया। तो ये किस तरीके का मतलब विरोध हुआ? अगर वोटिंग की जाती तो शायद मुश्किलें बढ़ती केंद्र सरकार के लिए और इस बिल को शायद पारित करने से रोका जा सकता है। देखिए, आप इस चीज़ को देखेंगे कि बिल का जो हमारा था, बिल को लेकर के एक दूसरा हमारा नज़रिया था। नज़रिया हमारा ये था कि इस बिल को हम लोगों का जो हमारी पार्टी का जो स्टैंड था कि ठीक है, बिल अगर लाया जाए, बिल का जो स्वरूप को लेकर के हमारा नज़रिया उस पर एक दूसरा अलहदा हमारा नज़रिया था कि बिल के लिए जो इस्लामिक जूरिस्ट हैं, जो जानकार हैं इस्लाम के, उनको इसमें लाया जाए और लाकर को उस समाज के ऊपर, उस वर्ग के, उस समुदाय के ऊपर छोड़ा जाए कि कुरानिक तरीका क्या है और उसको वो देखा जाए। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि बिल ठीक है आए, हम ऐसा नहीं था कि अब बिल के नहीं आए, लेकिन बिल के स्वरूप को लेकर के हमारा आपत्ति था और हमारा स्पष्ट मानना था कि इस बिल को लाने में इस्लामिक जूरिस्ट जानकार जो थे, इस्लाम के शरीयत के जानकार थे, कुरान के जानकार थे, उनका इसमें ओपिनियन और उनका इसमें रोल होना चाहिए था। कहा जा रहा है ये भी कि एक तरफ बीजेपी यादव वोट बैंक पे हस्तक्षेप कर रही है, सेंधमारी कर रही है, और जिस तरीके से रवैया रहा राज्यसभा में जेडीयू का, तो कहा जा रहा है कि दोनों में जो लड़ाई की घड़ी दिख रही है, जो बातें चल रही हैं, वो सिर्फ दिखावा है और सेंधमारी किया जा रहा है राजद के वोट बैंक। देखिए, किसी दल का क्या स्टैंड है उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी और बोलने का अधिकार भी नहीं है कि कोई दल किस तरह से अपने पार्टी को आगे ले जाने के लिए या बड़ा आकार देने के लिए, वो इसके स्वरूप को बढ़ाने के लिए क्या करता है, ये उसका बिल्कुल अंदरूनी मामला होता है। लेकिन हमारा जहाँ तक हमारी पार्टी का प्रश्न है, आप एक चीज़ को बिल्कुल क्लियरिटी, हमारे दल का किसी भी इशू पे बिल्कुल क्लियरिटी है। हमने जिस चीज़ को राइट फ्रॉम बिगनिंग हमने अगर नहीं स्वीकार किया तो आज भी हमने नहीं स्वीकार किया है इसको। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है किसी भी विषय को लेकर के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी।